मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है भाई, है ना, किसने कुछ तो पढ़ा होगा। मैट्रिक्स में एक्चुअल में एक फोटो है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ एज ए फोटो समझ सकते हैं इसको और बाकी कुछ नहीं, ठीक। मैट्रिक्स डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, देखो, अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स इन अ रेक्टेंगुलर शेप, अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट इन अ रेक्टेंगुलर शेप, एंट्रीज आर रियल आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स इन अ रेक्टेंगुलर शेप, एंट्रीज आर रियल आर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। देखते भाई मैट्रिक्स तुम्हें इस तरह मिलेगा, ठीक है, ये क्या है, ये एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जो एलिमेंट्स आएंगे इसमें वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, या फिर अपने आप में कोई एक्स का फंक्शन हो सकता है वो आपका, ठीक है, फंक्शन भी तुम्हें मिल सकते हैं आगे, ठीक, अंदर इसके, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस तरीके से आने वाले हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ठीक है, एंड डैट 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 ए वन एन, ठीक, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, एंड डैट 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 ए टू एन, ठीक है, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, एंड डैट डैट ए थ्री एन, ये आपके डैट डैट आ गया, ठीक है, ए एम वन, ए एम टू, ए एम थ्री, एंड डैट डैट ए एम एन, ठीक। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है कि एम रो है और एन कॉलम्स है, ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, रो और इनको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम्स, ठीक है, जो वर्टिकल है हमारे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, वो होंगे आपकी रो, ठीक है। यहीं पे हम लिख लेते हैं एम क्रॉस एन, इसका मतलब है जो पहला एलिमेंट होता है वो रो को दिखा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ रो को, और जो लास्ट वाला होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। ओवरऑल इसकी एंट्री होती है इसमें, ठीक है, इसमें जो एंट्री है या कह सकते हैं इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉमन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखेंगे ए आई जे, ठीक ना, ए आई जे, ठीक, जहां पे आई का जो मान होगा हमारा वो जीरो से बड़ा होगा और एम के इक्वल होगा, ठीक, जीरो से बड़ा मतलब, ठीक है, वन से लेकर के एम तक, ठीक है, वन टू थ्री एंड डट डट एम तक जा रहा है, एंड जो जे होगा यहां पर जे जीरो से बड़ा होगा और एन या एन के इक्वल, ठीक है भाई। जो कॉमन एलिमेंट्स हम दिखा रहे हैं वो हमारा क्या है, ए आई जे, ठीक है, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, आई तुम्हारा कर रहा है कि हमारे इसमें कितनी जो है रो है, ठीक है, रो को दिखा रहा है कि रो कौन सी रो, हम यहां बात करें, यहां पर अगर हमारा वन टू है तो इसका मतलब रो कौन सी हमारी वन, और टू का है हमारा यहाँ पे कॉलम को दिखा रहा है, ठीक है, और ये हर एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम इस मैट्रिक्स के अंदर का, ठीक है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये चीज, देखो ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये तुम्हें नीचे दिख रहा है लोअर ट्रायंगुलर, क्या दिख रहा है, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, ठीक, ऊपर तुम्हें यहां पे नजर आ रहा है भाई, आ रहा है कुछ यहां से लेके, ठीक है, ये एंट्रीज, ये क्या कहेंगे हम लोग इसको, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, मेन डायगोनल आपके पास ये है,
मेन डायगनल, ठीक है, यहां पर क्या होगा आपका मेन डायगनल लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें इसका, एक्चुअल में क्या है ना कि जो हमारे पास ए इक्वल दिया गया है ये उतना काम का नहीं है जितना इसका एब्रीविएशन फॉर्म, मतलब संक्षिप्त जो फॉर्म है इसका वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लिख सकते हैं पॉइंट डाल करके कि एब्रीविएशन फॉर्म, एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ ए, क्या लिखेंगे हम लोग, ए आई जे, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे हम लोग एम क्रॉस एन, ठीक है। तो एम क्रॉस एन है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर, ठीक है। किस ऑर्डर का है तो हमारे पास क्या बोलेंगे, एम क्रॉस एन, ठीक है, या एम इंटू एन, ठीक। तो ये तुम्हारे पास कितना कॉपी करो जल्दी, यहां पर भी तुम्हारे वही है जो एम है, ठीक है, आई मतलब कि एम रो मीन्स आई की वैल्यू वन से लेकर के एम तक जाएगा, और जे कहां तक जाएगा हमारा, वन से लेकर के एन तक जाएगा, ठीक है, कॉपी करो। नंबर ऑफ फ्लोर, और जो एन है वो है हमारा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, चल आगे बढ़े। करें वैसे अब बाकी से देखो सवाल तुम्हारा कैसे बनेगा, ठीक है। पहला तो आपका बोर्ड का सवाल बनेगा, तुमसे कह देगा कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई किसी भी ऑर्डर की है, थ्री क्लास टू की या टू क्लास थ्री की, तो बोल देगा उसमें कंडीशन दे देगा और कहेगा कि इसकी मैट्रिक्स तैयार करो, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा, कंस्ट्रक्ट अ थ्री क्रॉस फोर मैट्रिक्स, फोर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ठीक है, ए आई जे व्हिच एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है, आर मीन्स ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, ठीक है, मैट्रिक्स बताना है तुमको यहां पे, ठीक है, सिर्फ मैट्रिक्स को तो यहां पे फॉर्म करना है, बनाना है, ठीक है। उसने कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखा है, ए इक्वल टू ए आई जे, ए आई जे कहा है, जो यहाँ पे ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो है थ्री क्रॉस फोर का, है ना। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे मीन्स थ्री क्रॉस फोर है, और जिसके जो एलिमेंट्स है हमारे पास, जो आर्बिट्रेरी मीन्स जनरल जो एलिमेंट्स है हमारे पास है वो ए आई जे इक्वल टू है हमारे पास आई प्लस जे, मीन्स यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हमारे आई की वैल्यू क्या है और जे की वैल्यू क्या है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे हमें कि आई की वैल्यू क्या है और जे की वैल्यू क्या है, और तुम्हें पता है यहाँ पे कि आई हमारा कहां तक जाएगा, बोलो यहाँ पे, क्योंकि एम, एम क्या होता है हमारे पास, एम क्या होता है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आई जो होता है वो एम की बताता है किस किस रो का एलिमेंट है हमारा, है ना। तो आई वैल्यू यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा वन टू एंड थ्री तक जाएगा, और जे की वैल्यू की बात करें तो जे क्या आएगा हमारे पास, वन से लेकर वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक छोटे से मैट्रिक्स को यहां पर बना लेते हैं, मैट्रिक्स मीन्स ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं हम लोग यहां पर, थोड़ा सा याद रहेगा, ए वन वन, ए वन टू और ए वन थ्री, ठीक है, और ए वन
फोर, ठीक है। इसके बाद ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री और ए थ्री फोर, ये हमारे पास बन गई थ्री क्रॉस फोर की मैट्रिक्स। हमने जनरल लिखा है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है सारे वैल्यू, यहाँ पर जो एंट्री है इस पे एलिमेंट्स हैं वो हमें निकालना है। मीन्स ए वन वन क्या है, देखो अगर हमें यहाँ पर ए वन वन निकालना पड़े, ठीक है, क्या निकालना पड़े, ए वन वन, तो ए वन वन में देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है वन, जे की वैल्यू क्या है वन, दोनों का सम कह रहा है, तो वन प्लस वन मीन्स टू, ठीक है ना। ए वन टू का मतलब वन प्लस टू मीन्स थ्री, ए वन थ्री का मतलब कितना हो गया यहाँ पर वन प्लस थ्री मीन्स फोर हो जाएगा हमारे पास, और ए वन फोर का मतलब हो जाएगा वन प्लस फोर एंड फाइव, ठीक है। आगे निकाल लेते हैं भाई सभी एलिमेंट्स, ए टू वन इक्वल टू टू प्लस वन मीन्स थ्री हो जाएगा, ए टू टू, टू प्लस टू फोर होगा, ए टू थ्री जो होगा टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा, ए टू फोर जो होगा हो जाएगा टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स। इसे भी सारे के सारे एलिमेंट्स निकालते हैं हम लोग, ए थ्री वन हो जाएगा हमारे पास थ्री प्लस वन मीन्स फोर, ए थ्री टू जो होगा थ्री प्लस टू मीन्स फाइव, और ए थ्री थ्री, थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, ए थ्री फोर जो होगा तो थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन, है ना, कंडीशन दे रखी है। अब सारे नंबर्स को क्या करो, सजा दो वहां पे, ठीक है। तो जो ए आएगा हमारे पास तो ए इक्वल टू सब कुछ सजा दो, है ना, क्या टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री, ठीक है, फोर एंड फाइव, यहाँ पे आएगा हमारे पास थ्री फोर, ठीक है, थ्री फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी हमारे पास थ्री क्रॉस फोर की, ठीक है, बात समझ आ गई। ये तुम्हारा एग्जाम में पूछने वाला है, बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछे, ठीक है, बोर्ड लेवल का सवाल है तुम्हारा, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, इसी में बदल दे रहे हैं कि कॉन्स्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, टू क्रॉस थ्री, ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग कि टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे फूज इंट्रीज या एलिमेंट्स आर ए आई जे इक्वल टू हाफ, ठीक है, टू टाइम्स हाफ मॉडुलस टू टाइप टू टाइम्स आई माइनस जे, ठीक है। चलो भाई देख रहे हैं, कॉन्स्ट्रक्ट टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे इक्वल टू वन बाय टू मॉडुलस मॉड ऑफ टू आई माइनस का जे। तो जो एंट्री है वो हमारे पास वो ये वैल्यू दे रहा है ना, हमें जो मैट्रिक्स बनानी है मीन्स जो ए इक्वल टू लिखना है वो लिखना है हमारे पास ए आई जे टू क्रॉस थ्री। अगर हम इसी को लिखना चाहें जर्नल उसमें ले सकते हैं कि ए वन वन, ए वन टू, ठीक है, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू एंड ए टू थ्री, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में हमने लिख लिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लिख लिया हमने, ठीक। अभी सारे एंट्रीज को हम निकाल ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ए वन वन की बात कर रहे हैं तो ए वन वन क्या होगा हमारे पास भाई, क्या जाएगा वन बाय टू, इस प्रॉपर्टी से देख रहे हैं हम लोग कि ए आई जी क्या है इसके हमारे पास, इसको वन बाय टू मॉड ऑफ टू आई माइनस जे की, तो वन बाय टू मॉड के अंदर लिखते हैं हम लोग टू इंटू वन माइनस वन, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वन बाय टू, वन मीन्स वन बाय टू, ए वन टू की बात करते हैं तो कितना आएगा वन बाय टू, टू माइनस टू मीन्स जीरो आ जाएगा आपका, ए वन थ्री की अगर बात करते हैं तो वन बाय टू, ठीक है,
2 माइनस 3 इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, याद रखना यहाँ पे, क्योंकि 2 माइनस 3 का देगा हमारा माइनस का 1 देगा, लेकिन ये मॉड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव करेगा, है ना। मॉडुलस हमारा कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 1 बाई 2 हमारे पास हो जाएगा। आगे सारे एंट्रीज आप निकाल लीजिए, ठीक है, और इसमें आप बना सकते हैं। तो a इक्वल टू जो भी आएगा हमारे पास वो इस तरीके से बन जाएगा। पहले एंट्री हमारे पास है 1 बाई 2, 0 एंड 1 बाई 2। सेकेंड रो आप लोग निकालें, ठीक है, तो ये हो गया। आगे भाई, ये तुम्हारे पहले टाइप का क्वेश्चन था, ठीक। एक घर के लिए लिख लो भाई सवाल, इसका क्वेश्चन कर, ठीक है, घर के लिए है सवाल क्वेश्चन। कॉन्स्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हूज एलिमेंट्स आर गिवेन बाय ए आई जे इक्वल टू 1 बाय 2 मॉड ऑफ i माइनस का 3j। ये आपको घर में करना है, नोट में लिखो भाई, थोड़ा सा नोट है। नोट, इफ एनी मैट्रिक्स इज ऑर्डर m क्रॉस n, then the number of elements are m into n means mn। किसी भी कोई भी अगर मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 into 3 means 6, है ना। एक क्वेश्चन लिख लो भाई, इफ अ मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर विल बी, then possible order will be, क्या क्या होंगे भाई, 1 into 12, 12 into 1, 2 into 6, 6 into 2, 3 into 4 and 4 into 3, है ना। पहले क्या होगी, एक रो हो जाए और 12, 12 कितने हैं हमारे पास, कॉलम्स हो जाए, है ना, स्तंभ से बोलते हैं हिंदी में, या फिर 12 हमारी क्या जाए रो और 1 कॉलम हो जाए, है ना। 2 क्या हो जाए हमारे पास रो और 6 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम, 3 रो एंड 4 कॉलम्स, और 4 कॉलम 4 रो एंड 3 कॉलम्स, है ना। तो पॉसिबल हमारे पास कितने निकल के आए, 6। जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो कितने हैं, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू 6, ऐसा सवाल चल सकता है। आगे नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइटल पे बात की जाए, ठीक है। डालो टाइप ऑफ मैट्रिसेस। पहला टाइप डालू, पहले हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है,
तो रो मैट्रिक्स क्या भाई? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। कालम कितने हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसमें रो कितने होने चाहिए हमारे? वन। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिख लो इसमें कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, आर आर रो वेक्टर्स, क्या हम लोग कहेंगे? रो मैट्रिक्स आर आर रो वेक्टर। ठीक है, जब वेक्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो रो वेक्टर एग्जांपल, एग्जांपल क्या होगा भाई? हमारे पास इसमें ए इक्वल टू आ गया, ये हमारे पास आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि वन कामा टू कामा ना लगा के लिखे वन टू थ्री फोर एंड डॉट डॉट एम, है ना? तो एम का मतलब क्या हो गया? देखो हमारे पास जो रो है सिर्फ एक है ना, तो पहले हम किसको लिखते हैं? रो। ठीक है, फिर कॉलम को दिखाते हैं। तो जो होगा तुम्हारे पास क्या है एग्जाम्पल हो, किसका होगा तुम्हारा ये? ठीक है, इसका जो संक्षिप्त हमारा जो क्या कहते हैं इसका रूप है, मीन्स एब्रिविएशन फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म है, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, है ना? हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए इक्वल टू है ए वन, सॉरी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए आई जे और जे कहते हैं वन इंटू एम। ठीक, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर रो है, नंबर ऑफ रो जो आई है वो हमारे पास सिर्फ केवल और केवल क्या है? आई इक्वल टू वन, और जो जे है हमारे पास वो कहाँ है हमारे पास? वन से लेकर के एम तक, है ना? इसका जो ये छोटा जो बिल्कुल संक्षिप्त फॉर्म है वो है भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे कि कॉलम मैट्रिक्स, क्या बात करें? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, क्या बोलेंगे उसको? कॉलम मैट्रिक्स, है ना? तो लिख लो भाई, अ मैट्रिक्स हैविंग, अ मैट्रिक्स हैविंग हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आर अ कॉलम वेक्टर, आर अ कॉलम कॉलम वेक्टर्स, ये भी कह सकते। तो हमारे पास एग्जाम्पल के इसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल ले लेंगे, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा यहां पर, ए वन वन, ठीक है, और ए टू वन, ए थ्री वन एंड डॉट 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 ए एन वन। ठीक है, अब इसका आर्डर कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे हमारे पास जो रो है कितनी है? एन है, और कॉलम कितना हमारे पास? सिर्फ वन वन दिख रहा है भाई। देखो रो कितनी है हमारे यहाँ पर? एन है और कॉलम सिर्फ और सिर्फ वन है, इसका मतलब है कि एन इंटू वन। ठीक है, तो एन क्रॉस वन, इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? एन क्रॉस वन। आगे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की, बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, सिलेबस में हमें ऐसे मिलेगा नहीं, लेकिन हमें आना चाहिए चीजों, ठीक है, एक चीज हमें एक एक चीज में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है भाई?
तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ क्या हो, नंबर ऑफ जो रो होंगे ठीक है, वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होंगे, कम होंगे, तभी आपकी क्या बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी भाई? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मींस हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, जैसे हमारे पास ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू ए आई जे, और उसने कह दिया एम क्रॉस एन, और फिर कामा लगा के लिख दिया कि जो एम की वैल्यू है वो लेस देन किससे है, एन। तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। मींस एग्जांपल अगर देखें इसमें हम लोग, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू, ठीक है ले लो भाई, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू और ए टू थ्री, है ना। देखो यहाँ पे क्या हमारे पास, टू क्रॉस थ्री, टू इंटू थ्री, है ना। देखो नंबर ऑफ रो कितनी यहाँ पर, दो है, और नंबर ऑफ कॉलम तीन है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। एक कॉलम और हो सकता है, एक और हो सकता है, ठीक ना, लेकिन हमेशा जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी उससे नंबर ऑफ रो कम होंगे किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। नंबर ऑफ रो जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होंगे, कम होंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं, एक सवाल हमारा नोट में उठ सकता है, क्या हमारे जो रो मैट्रिक्स है क्या वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्या हमारा जो रो मैट्रिक्स है हमारी, क्या वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आएगी, या हम क्या ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हमारी क्या रो मैट्रिक्स बन सकती है, कह सकते हैं हम लोग, बोलो भाई। ठीक है, एक चीज मैं आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं नोट में कि ऑल रो मैट्रिक्स इंप्लाई करेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को, ठीक है। नोट में या स्टार मार्क लगा सकते हैं कि ऑल रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इंप्लाई करेगी किसको, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट ना भाई, एक्सेप्ट ब्रैकेट में लिखना कि ए इक्वल टू ए आई जे वन क्रॉस वन, ठीक है। यहां पे देखो वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स क्या होगी, जो सिंगल एलिमेंट्स होगा हमारे पास, सिंगल एलिमेंट्स होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहां पर लें, यहां पे बात करें कि जो ए इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ए वन वन की अगर बात आए तो ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसे हम जो है ना तो रो मैट्रिक्स कहेंगे और ना ही इसमें हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, या फिर दोनों में आप ले सकते हो, दोनों कह सकते हो कि भाई कॉलम भी है और एक ही कॉलम है और एक ही रो है इसमें प्रॉपर्टी, लेकिन इसे हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। इसे हम लोग कह सकते हैं, आप इसको बोल सकते हो कि रो मैट्रिक्स भी है, और बात आने पे तुम ये भी कह सकते हो कि तुम्हारी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसमें केवल और केवल क्या हो, एक रो हो तो क्या बोलेंगे उसको, रो मैट्रिक्स कह रहे हैं। इसमें एक कॉलम हो तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे, है ना। तो कॉलम और रो दोनों को मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कहा है कि जो m की वैल्यू है वो n से क्या होगी, छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी, मतलब कि नंबर ऑफ रो क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम से कम होंगे, होंगे ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल, इसको लिख लो। आगे देखते हैं भाई हम लोग, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात आता है, हमारे पास एक वर्टिकल मैट्रिक्स आती है। क्या आती है? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स,
बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर वर्टिकल मैट्रिक्स की, है ना। तो वर्टिकल मैट्रिक्स भी ये हमारे पास, यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ए इक्वल टू क्या है, ए आई जे, ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो i की वैल्यू है वो j से बड़ी होगी, ठीक। यहाँ पे हम लोग एक चीज और भी कह सकते हैं कि जो i होगा वो j से क्या होगा, छोटा होगा। कंडीशन दे सकता है तुमको वहां पर, ठीक है, एक लाइन में सवाल पूछ सकता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन में जो तुम्हारा क्या है, ऑप्शन कह देगा ए बी सी करके, कह देगा बताओ कौन सी मैट्रिक्स देगा, कह देगा वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है, अगर ये मैट्रिक्स है लेट ए इक्वल टू ए आई जे और आई क्या है हमारे पास जैसे बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए इज वर्टिकल मैट्रिक्स। कह सकते हैं कि देन ए इक्वल टू वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पर कि ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ठीक है। नोट लिख सकते हैं कि नोट ऑल कॉलम मैट्रिक्स, ऑल कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, इंप्लाई क्या करेगा वर्टिकल मैट्रिक्स को, वर्टिकल मैट्रिसेस, ठीक है, एक्सेप्ट ए इक्वल टू ए वन वन, ठीक। चलिए फिर आज के लिए बस इतने, फिर आगे देखें।